हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 8 डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेक्चर 8 समझने से पहले लेक्चर 7 को ज़रूर देखेगा, जो कि बेस्ड है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में नॉर्मल रिएक्शन का बहुत कॉन्सेप्ट यूज होता है। इस कॉन्सेप्ट को लिफ्ट प्रॉब्लम या अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन ए लिफ्ट भी कहा जाता है, जो डायरेक्ट लिफ्ट प्रॉब्लम भी आता है, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फर्दर न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को भी रिप्लेस कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ये एक छोटी सी स्टोरी की तरह है, राइट? एक केस हम लेके चलते हैं। लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो ध्यान से सुनिएगा हमें करना क्या है। लिफ्ट में, ये लिफ्ट का कंपार्टमेंट है, यहाँ पे इसके अंदर एक ये वेइंग मशीन है। इस वेइंग मशीन के ऊपर ये एक आदमी खड़ा है। इस आदमी का वेट नीचे को लग रहा है mg, और ग्राउंड उसको एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है। अगर लिफ्ट रेस्ट पे होगी, देर इज नो अदर फोर्सेज एक्टिंग, तो r विल बी इक्वल टू mg एज इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब केस हमने ये बनाना है, अगर ये लिफ्ट ऊपर जाना शुरू कर दे, अगर ये लिफ्ट नीचे फॉल करना शुरू कर दे, अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल करे, अगर ये लिफ्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, अगर ये लिफ्ट ग्राउंड की तरफ फॉल कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इन सभी केसेस में इस आदमी का जो वेट होगा इस वेइंग मशीन में, वो चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो कितना चेंज होगा, उसका चेंज कैसे निकालना है, ये है आज का प्रॉब्लम हमारा। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, जो अपेरेंट वेट होगा वो इसका, जो वेइंग मशीन में वेट आ रहा है, वो सिर्फ कौन मेजर करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ने ही चेंज करना है, इसकी वैल्यू होगी अपेरेंट वेट ऑफ मैन, ठीक है जी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रीडिंग इन द वेइंग मशीन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, और जो रिएक्शन होगा वो हमेशा अपेरेंट वेट ऑफ मैन होगा। जरूरी नहीं है कि अपेरेंट वेट हमेशा ट्रू वेट से डिफरेंट ही हो, कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें अपेरेंट वेट और ट्रू वेट सेम होंगे। तो पहला केस लेके चलते हैं, लिफ्ट एट रेस्ट। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, देर इज नो एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रिएक्शन विल बी इक्वल टू वेट, तो यहाँ पे जो अपेरेंट वेट है, जिसको हम रिएक्शन भी बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू द ट्रू वेट। अपेरेंट वेट और ट्रू वेट बराबर होंगे, तो जो एक्चुअल वेट होगा इस इन आदमी का, वो इस वेइंग मशीन में रीडिंग मिलेगी। सेकेंड केस लेके चलते हैं, अगर ये लिफ्ट स्टार्ट कर दे एक्सेलरेट करना ऊपर विद एन एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट ने ऊपर को मूव करना शुरू किया विद सम एक्सेलरेशन ए, इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये आर ऊपर को है, लिफ्ट भी ऊपर को जा रही है, और वेट नीचे को लग रहा था। हमें यहाँ पे निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखा, देखो। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले तो सबसे बेस्ट सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, उस डायरेक्शन वाली फोर्स में से अपोजिट फोर्स को माइनस करिए एंड मेक इट इक्वल टू नेट फोर्स विच इज इक्वल टू एम ए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, उस डायरेक्शन वाली फोर्स में से अपोजिट फोर्स माइनस करके नेट फोर्स निकाल लीजिए विच इज इक्वल टू एम ए। यही कॉन्सेप्ट अब हमेशा लगाना है हमने, तो सूडो फोर्स नहीं आएगी इसमें, सीधा सीधा बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस इक्वल्स टू एम ए। क्या बात है जी, अगर इस मैन का मास हमने एम लिया है, यहाँ पे मैन नहीं बनाया पर मैन एग्जिस्ट कर रहा है, इस मैन का मास अगर एम है, इसका वेट नीचे को एम जी है, तो यहाँ पे भी मैन का मास एम है। तो मैं बोल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो ऊपर वाली फोर्स में से नीचे वाली फोर्स माइनस करो, इक्वल्स टू एम ए बना दो। तो यहाँ से आर क्या आएगा, एम जी प्लस एम ए। इसीलिए जब हम ऊपर जाते हैं लिफ्ट में, हम खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जब हम ऊपर जाते हैं हमें थोड़ा हैवीनेस फील होती है, हमारा अपेरेंट वेट बढ़ जाता है, ये हमारा ट्रू वेट, इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो हमारा अपेरेंट वेट बढ़ गया। तो यहाँ पे अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट, ओके। आपको ये डायरेक्ट केस भी याद कर सकते हैं, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट नीचे जा रही है तो क्या कंसेप्ट होगा, अब नीचे में से ऊपर वाला माइनस इक्वल टू एम ए। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, उस डायरेक्शन वाली फोर्स में से
अपोजिट माइनस करके इक्वल टू एम ए, तो एम जी में से आर गया इक्वल टू एम ए, यहाँ पे आर आ गया एम जी माइनस एम ए। ट्रू वेट में से कुछ माइनस हो रहा है, तो एपरेंट वेट इज लेस देन ट्रू वेट, हमें थोड़ा हल्का फील होगा। गॉट इट? तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको माइंड में फिक्स कर लीजिए। अगला केस लेके चलते हैं, लिफ्ट आइदर मूव अप और मूव डाउन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। तो यहाँ पे दोनों केसेस में एक्सेलरेशन को अगर जीरो पुट कर देंगे तो आर एम जी के बराबर आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, एपरेंट वेट और ट्रू वेट दोनों सेम होंगे अगर बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। अगला केस देखिए, केस है अगर लिफ्ट फॉल करना शुरू कर दे अंडर ग्रेविटी। ठीक है जी, लिफ्ट के ऊपर ये जो रस्सी जिससे लिफ्ट चल रही थी उसको कट कर दें, अगर ये कैंची से इसको काट दिया, ठीक है जी, अगर ये काट दिया तो ग्राउंडवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगी? जी, बॉडी विल फॉल डाउन। ओके, तो नीचे में से ऊपर वाला माइनस इक्वल टू एम ए, एम जी माइनस आर इक्वल टू एम जी, एम जी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, आर क्या आ गया जीरो। उस दौरान बॉडी का एपरेंट वेट जीरो हो जाएगा, मतलब वेइंग मशीन में उस समय रीडिंग क्या आएगी? जीरो। हमें क्या फील होगा? वेटलेसनेस। हम उस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जिसमें हम वेटलेसनेस होते हैं, नॉर्मल फ्री फॉल वाला केस होगा। नेक्स्ट केस आता है, लिफ्ट फॉल डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए ग्रेटर देन जी। क्या बात है जी, एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन जी, तो ये रिएक्शन क्या आएगा? नेगेटिव। रिएक्शन नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन नेगेटिव मतलब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई। ये जो आदमी यहाँ पे नीचे खड़ा था इसने जमीन को छोड़ के इस लिफ्ट की छत के साथ जाके चिपक गया और नीचे गिर रही है लिफ्ट। मतलब लगा इसमें रिएक्शन नीचे को हो गया, पहले रिएक्शन नीचे से ऊपर को था क्योंकि लिफ्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट में था, अब बॉडी यहाँ पे कॉन्टैक्ट में चलेगी, लिफ्ट सीधा ही अपनी ग्राउंड को छोड़ के ऊपर चलेगी, रिएक्शन नेगेटिव हो गया। तो इस केस में द पर्सन स्टैंडिंग इन द लिफ्ट विल स्टिक टू द रूफ ऑफ द लिफ्ट एंड लूज देयर कॉन्टैक्ट फ्रॉम द बेस। रिएक्शन नेगेटिव का मतलब ये होता है, रिएक्शन अगर जीरो हो उसका मतलब है बॉडी सरफेस से कॉन्टैक्ट में नहीं है एक तरह से। एक एनसीआरटी का न्यूमेरिकल देखते हैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार पेपर में रिपीट भी हो चुका है। अ मैन ऑफ मास 50 किलोग्राम स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अप। फर्स्ट केस बनाया, मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन जीरो, ट्रू वेट एक्चुअल वेट सेम, मूविंग डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस, मूविंग अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस एंड इज फॉलिंग फ्रीली, फाइंड इट्स एपरेंट वेट इन द अबव केसेस, टेक जी इक्वल्स टू 10। कर लेते हैं जी, कोई इशू नहीं है, ऊपर वाले फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो, आर इक्वल्स टू एम जी, मास था 50, जी की वैल्यू 10, आ गया 500 न्यूटन। डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5, नीचे आ रही है जी, नीचे आने के बाद वेट डिक्रीज हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए, आर की वैल्यू एम जी इंटू जी माइनस 10 माइनस 5, इट्स 5 इंटू 250, दैट इज 250 न्यूटन। मूविंग अप हो रही है तो एम जी प्लस एम ए, 10 प्लस 4 1450, दैट 700 न्यूटन, वेट बढ़ गया। अगर फ्री फॉल है तो रिएक्शन जीरो ही आना जी, कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी एक और एप्लीकेशन आती है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई एक बार जे में भी आ चुका है। अ मंकी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, ये रस्सी के साथ ऐसे लटका हुआ है। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन द मास ऑफ मंकी इज 25 किलोग्राम। मंकी का मास है 20, पर अगर मंकी का मास 25 होता तब तक रोप ब्रेक नहीं करेगी, मैक्सिमम बताया, बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 किलोग्राम। फाइन, ओके, वट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द मंकी क्लाइंब अप द रोप। अब उसने कहा कि मंकी कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ेगी ये रोप ना टूटे, तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम टेंशन कितनी हो सकती है, मैं निकाल चुका 25 के हिसाब से, मैक्सिमम टेंशन होगी 25 के हिसाब से, दैट विल बी 250 न्यूटन। अगर इससे ज्यादा टेंशन आएगी तो रस्सी टूट जाएगी। ऊपर जाना है जी, तो ऊपर में से नीचे वाला माइनस इक्वल टू एम ए, ऊपर में से नीचे वाला माइनस इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से टेंशन निकालो कितनी आती है, एक्सेलरेशन निकाले, मैक्सिमम टेंशन है ये 250 से कम आना चाहिए, तो यहाँ से जब एक्सेलरेशन सॉल्व करके निकाला, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तो मिनिमम क्या चाहिए, इट शुड बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या उससे कम, ये मैक्सिमम होगी एक्सेलरेशन या इससे कम होनी चाहिए, तो आंसर इज डी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको लिफ्ट प्रॉब्लम और ये
जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन वाली फोर्स में से ऑपोजिट माइनस करके इक्वल टू एमए वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एंड दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू सॉल्विंग फॉर द न्यूमेरिकल्स. आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन व्हाट्सएप मी. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.